गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेस्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है बप्पा का आशीर्वाद। 19 तारीख से लेकर के 22 सितम्बर तक ये ऑफर रहेगा। टेस्ट बुक ऑनलाइन मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। लगभग 16 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। प्राइस आप देख सकते हैं कितना कम कर दिया गया है। 699 वाला जो प्लान है अब आपको मात्र 404 रुपये का मिलेगा, जिसमें आप लोग एक साल तक अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकेंगे, जिनकी संख्या यहाँ पर लगभग 70,000 है और लगभग भारत की सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट इसमें उपलब्ध हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, सारे मॉक टेस्ट इसमें उपलब्ध हैं। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। आप लोगों को एक कोड का प्रयोग करना होगा जिसका नाम है TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार, तो आपको एक्स्ट्रा 10% की छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। शुरू करते हैं, बात करते हैं बीएड फॉर पीआरटी दिल्ली में होगा प्रदर्शन। तो ये विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है, संयुक्त बीएड मोर्चा की तरफ से ये प्रदर्शन हो रहा है NCTE ऑफिस के सामने, और यहाँ पर ये विद्यार्थियों ने कुछ नंबर भी दिए हुए हैं। अधिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपको पता होगा कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के द्वारा, और विद्यार्थी जानते हैं कि अब इसमें सरकार ही कुछ कर सकती है NCTE के माध्यम से। इसलिए विद्यार्थी NCTE ऑफिस पर जाकर के वहाँ पर महापंचायत करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और अगर हम लोग बात करें कि कोर्ट की, तो कोर्ट में विद्यार्थियों ने रिव्यू याचिका जरूर डाली है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर 1 महीने हो चुके हैं, ये कैसे एक्सेप्ट हो गई, क्या हो गया। तो कुछ ग्राउंड दिखा करके अगर थोड़ा सा डिले भी होता है तो वो चल जाता है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन मामला ये है कि इसमें हो क्या सकता है। तो रिव्यू याचिका अभी तो दाखिल की गई है, उसके बाद में ये देखा जाएगा कि ये स्वीकार करने योग्य है या नहीं है, जैसा आप इसको देखेंगे। अभी इसकी कोई डेट नहीं आई है, आगे जो भी डेट आएगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। और वैसे मैं अपना व्यक्तिगत आपको बताऊं कि इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद न्यायपालिका से नहीं है, और जब रिव्यू पर चर्चा हुई थी तभी मैंने आप लोगों से यही बात बताई थी कि ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी केस में रिव्यू मैटर उठे और उस पर दोबारा सुनवाई हो। चूंकि काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, काफ़ी विस्तृत ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, शायद ही कोई तथ्य छूटा हो। हाँ, इसमें हो जरूर सकता है, और हो सकता है अगर सरकार चाहे तो, सरकार अगर चाहे तो एक विस्तृत प्रक्रिया के द्वारा NCTE के द्वारा बीएड को पुनः शामिल कर सकती है, और उसी के लिए ये विद्यार्थी जो है ये प्रयास कर रहे हैं जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। वहीं पर कल कुछ विद्यार्थी KVS गए थे, KVS के हेड ऑफिस गए थे, वहाँ पर इन विद्यार्थियों ने एक गुहार लगाई है कि जब तक क्लेरिफिकेशन वाली जो याचिका डाली गई है, अलग अलग राज्यों से, लगभग 5 राज्यों से क्लेरिफिकेशन याचिका डाली गई है, क्लेरिफिकेशन याचिका में जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको क्लियर करने के लिए कि ये ऑर्डर कब से प्रभावी होगा, यानी कि जो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया है, तो जोधपुर हाईकोर्ट की जो डबल बेंच है उसने जो आदेश दिया था उस दिन से प्रभावी होगा, या जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को ऑर्डर दिया था उस दिन से प्रभावी होगा, जो पुरानी लंबित भर्तियां चल रही हैं उनका क्या होगा। तो विद्यार्थियों ने ये गुहार लगाई है KVS ऑफिस में कि जब तक क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट क्लियर ना कर दे पुरानी भर्तियों को लेकर के, तब तक ये जो रिजल्ट जारी ना किया जाए। चूँकि KVS बीएड को बाहर करके DLED या BTC के JBT के भी जो विद्यार्थी हैं, DED इत्यादि के, इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी करने वाला है। इसके संबंध में अभी KVS ने 2 दिन पहले एक नोटिस भी जारी की थी जिसमें ये कहा था कि अगर किसी विद्यार्थी, अगर कोई विद्यार्थी बीएड वाला DLED भी किए हुए है तो वो संशोधित कर सकता है अपने आवेदन को, यानी कि DLED को भी फिल कर सकता है अगर उसने किया हो। तो विद्यार्थियों का ये दावा है कि KVS ने ऐसा आश्वासन दिया कि हम इसका अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए देवेश शर्मा, ये लिखा हुआ है कि KVS मुख्यालय से सूचना मिली है, उसको फॉलो करके रिजल्ट को क्लेरिफिकेशन तक होल्ड किया जाएगा। अगली सूचना बिहार की है, बिहार एस्टेट की अभी हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं और एस्टेट की जो आंसर की है जारी कर दी गई है, जिससे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट की आंसर की जारी की गई है। इसमें लिखा है कि अगर किसी प्रश्न पर कोई त्रुटि है किसी उत्तर पर, तो संबंधित अभ्यर्थी समिति के वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ पर दिनांक 20 सितंबर के अपराह 4 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से लिंक पर साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ₹50 शुल्क लगेगा। तो जिन विद्यार्थियों ने एस्टेट की परीक्षा दी हो वे विद्यार्थी से देख सकते हैं। अगली सूचना UP SSC की है, लिखा मुख्य सेविका की लिखित परीक्षा 24 तारीख को। आपको फिर से याद दिला दूं, जिन विद्यार्थियों ने चैनल को अभी तक
वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मुख्य सेविका की जो परीक्षा 24 तारीख को होनी है, इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, इसके बारे में ये सूचना दी गई। अगली सूचना SBI की एक नई वैकेंसी की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर डिप्टी मैनेजर के 439 पदों पर भर्ती हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है और अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग आयु वगैरह यहाँ पर लिखी है। अधिक जानकारी आपको SBI के इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, sbi.co.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन भी देख लेंगे और आप लोग आवेदन भी कर सकेंगे। महिला आरक्षण विधेयक इसी सत्र में होगा पेश, कैबिनेट ने लगाई मुहर। संसद के विशेष सत्र में नए संसद भवन में एक और इतिहास रचा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को सोमवार को मंजूरी दे दी। इस बिल को बुधवार को नए संसद भवन में होने वाली लोकसभा की बैठक के दौरान पेश किया जा सकता है। इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का रास्ता खुलने के साथ ही विशेष सत्र में सरकार के मुख्य एजेंडे की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई। अगर 33% आरक्षण हो जाता है तो लिखा है कि यूपी की लोकसभा की 26 और विधानसभा की 132 सीटें महिलाओं को मिल जाएंगी। संसद से महिला आरक्षण विधेयक पास होने पर यूपी में भी महिलाओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ की 26 लोकसभा और 132 विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ आधी आबादी को उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल सका था। वर्तमान में विधानसभा में 12% महिलाओं की भागीदारी है। बिहार की एक और सूचना है कि बिहार में 1288 दरोगा बहाली जल्द होगी। राज्य में 1288 नए दरोगा की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग ने 1288 पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर को मंजूरी दे दी है। राज्य पुलिस मुख्यालय मंगलवार तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को नियुक्ति के लिए अरियाजना भेज देगा। लखनऊ में 3 दिन तक बादल बारिश के आसार, दोपहर बाद कई जगह तेज बौछार से दूर हुई उमस। लिखा कि मानसून फिलहाल विदा लेने के मूड में नहीं है। जब मानसून की विदाई का समय आया तो बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बनने लगा। ऐसे में पूर्वी यूपी से लेकर के लखनऊ और आसपास के जिलों में 20 सितंबर के बाद भी बदली बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। लिखा है NRI कोटे के तहत होने वाले दाखिले को लेकर के विश्वविद्यालय ने लिया निर्णय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया 29 सितंबर तक पूरी करनी होगी। इस वर्ष से NRI कोटे के तहत होने वाले दाखिले को लेकर के विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है और इसके साथ ही परास्नातक में प्रवेश प्रक्रिया अब 22 सितंबर तक पूरी करनी होगी। वहीं पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय परिसर में नए सत्र में से अब BTech की पढ़ाई भी होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। आगे लिखा कि विश्वविद्यालय ने BTech IT इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की सभी मुख्य शाखाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू करेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।